सिद्धू मूसेवाले बाई नू 70 लाख रुपए का नुकसान किमें पहुँचाया सी फोक माफिया म्यूजिक वाले ने। जेकर इहदे बारे गल करिए तां शुरुआती दिनों दे विच जदों सिद्धू मूसेवाला बाई स्ट्रगलिंग दिनों दे विच सी तां जिहड़े लोगों के नाल सिद्धू बाई गाने करता सी ते जिहड़े लोगों के नाल वह अपना म्यूजिक बनाउंदा सी उहदे यार दोस्त सी। तो जदों सिद्धू मूसेवाले बाई नू उहनां दी औकात दे बारे पता लगता कि उहदे यार दोस्त नहीं वह तां सिर्फ उसनू वरत रहे ने तां सिद्धू मूसेवाले बाई ने उन्हां तों पासे हो जांदा है। पर ये जिहड़े यार दोस्त हुंदे इन्हां नूं मुफ्त दी खाण दी आदत पई हुंदी है जिहदे करके उह सिद्धू मूसेवाले बाई नूं धमकियां भी दिंदे आ कि उन्हां कोल सिद्धू दे तकरीबन 50 गाने ने जिन्हां नूं उह वारी वारी लीक करदे रहणगे। ये जिहड़ियां धमकियां 2020 दे विच असलियत बन जांदियां ने जदों कि उह नवें यूट्यूब चैनल ते जिहदा नाम हुंदा फोक माफिया उहदे उत्ते सिद्धू मूसेवाले बाई दा इल चापो गाना लीक कर देंगे ने। तो इस लीक हुए गाने की सिद्धू मूसेवाले बाई के पिता बलकौर सिंह खुद थाने जा के FIR भी दर्ज कराते हैं जिदे कि वह दसते हैं कि कनवरपाल पिता तो तीजा बंदा जगतार सिंह इन तीन बंद को सिद्धू मूसेवाले बाई का इल चापो गाना सी। इन्हां ही तिना लोगों ने सिद्धू मूसेवाले बाई का इल चापो गाना यूट्यूब पर लीक कर दिता सी। इस गाने तो तकरीबन 70 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट होया ते गाने नूं बहुत सारे व्यू आए सी ते तकरीबन 70 लाख रुपए का नुकसान होया सी। सिद्धू मूसेवाले बाई दे जदों गाने लीक हुंदे सी जिउंदा हुंदा सी तां लोग कहिंदे हुंदे सी कि इह पब्लिक ही स्टंट करदा जाणी कि इह कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करन दी कोशिश करदा ते आपदे गाने खुद लीक करदा। पर असलियत अज बाहर निकल रही है कि इस तरीके नाल सिद्धू मूसेवाले बाई दे जिहड़े यार दोस्त जिन्हां कोल सिद्धू मूसेवाले दे गाने पए सी सिर्फ उह अपनी कमाई कर ली सिद्धू मूसेवाले बाई दे गाने इस तरीके नाल लीक कर देंदे सी ते कई करोड़ों का नुकसान भी हुंदा सी। जेकर ये गाने सिद्धू बाई अपने चैनल तो पब्लिश करता तो उन्हें काफ़ी बेनीफिट होना सी। सो ये वो वीडियो जिस विच सिद्धू मूसेवाले बाई नूं 70 लाख रुपए का नुकसान होया सी ते असीं तुहानूं दस्सिया कि किस तरह बाई नूं इहदा नुकसान होया। इस तरह दीआं होर वीडियो वेखण लई साडा चैनल सबसक्राइब करो ते मिलदे आं किसी होर नवीं वीडियो दे नाल।